नमस्कार दोस्तों, आज अपन थ्री स्टार कनेक्शन कैसे करना है वो सीखेंगे। देखो, इसी तरह फर्मा फिट करना है उसको। इसमें क्या है, एक सेवन पिच और एक नाइन पिच और एक सेवन पिच और एक नाइन पिच, इसी तरह एक सेट फर्मा बनाने का है। इसी में तीन कॉल बनाना है। इसके बाद में अपने को तीन फर्मा, एक सेवन पिच का और एक नाइन पिच का और एक नाइन पिच का, ये तीन का सेट का एक फर्मा बनाना है। इसका मतलब इसी तरह अपन क्या करना है, ये जो कॉयल में अपन छः कॉयल बनाना है और जो इसके पहले डबल फर्मा फिट किया था उसमें अपने को तीन कॉयल बनाना है, क्योंकि वो तीन कॉयल मिलकर वो छः कॉयल ही बन जाता है। देखिए, अभी अपन कॉयल बना रहा है, इसको क्या करना है, अपन पहले अपन वो जो चार फर्मा फिट किया है, एक सेवन पिच का और एक नाइन पिच का और एक सेवन पिच का, उसके बाद एक नाइन पिच का, तो उसमें क्या है बोले तो वो दोनों के बीच में ये स्लिप डालना है, क्योंकि वो दोनों कॉयल ना सिंगल कॉयल नहीं है, मतलब दोनों दो कॉयल है। एक टॉप पर टाइम कनेक्शन आएगा तो वो कॉयल बैठाने टाइम आमने सामने कॉयल बैठता है, उसके के लिए वो पहले अपन डाल के लेना है। देखो अभी कैसे डाला है, देखो एक कॉयल डाला है, देखो उसमें क्या है, चार का सेट का है। देखो सेवन नाइन पीछे और इसका जो कनेक्शन है ये टॉप बॉटम 1:7 कनेक्शन हो जाता है, ये टॉप बॉटम है और उसके बाद में दूसरा कॉयल भी टॉप बॉटम बैठेगा, एक का बॉटम एंड आएगा और एक का टॉप एंड आएगा। देखिए अभी इसी तरह एक कॉयल डालने के बाद में अभी वो अपन तीन का सेट बनाया, देखो इसमें एक सेवन नाइन पीछे और एक नाइन पीछे, वो सेवन पिच में 15 टन से तो ये नाइन पिच में 30 टन से, उसके बाद में एक नाइन पिच में 15 टन से रहेगा। जो इसके पहले अपन दो कॉल डाला है, मतलब सेवन नाइन का जो दो कॉल डाला है उसमें वो 15 टन से रहेगा जितना भी है उसमें सब में। अभी देखो ये कॉल ये दोनों के बीच में से शुरुआत करना है, ये जो पहले अपन डाला है उसके बीच में से शुरुआत करना है और ये जो क्या है ये शुरुआत कर रहा है, ये किसी तरह अपन शुरुआत करके इसका एंड कैसा कनेक्शन पकड़ना है वो मैं पेपर में भी डायग्राम बनाया है, लेकिन अभी आप ये सब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डायग्राम कैसा करना है और इसको कैसा कनेक्शन करना है, कॉयल कैसा भरना है, क्योंकि एक इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कभी क्या है कि इसको कॉयल भरने में आ जाता है, कनेक्शन समझ में नहीं आता है, कि इसको कनेक्शन समझ में आता है कॉयल भरने को नहीं आता है। तो इसी तरह अपन ये पूरा समझ के लेंगे तो अपन इसमें कॉयल भर सकते हैं। देखिए अभी कैसे कॉयल भर रहा हूँ, तो एकदम सिंपल ही तरीका है, लेकिन थोड़ा तो ध्यान से देखेंगे तो अपनी समझ में आ जाएगा और एकदम समझने में आने जैसा ही मैं जो डायग्राम है वो बना के रखा हूँ पेपर में, क्योंकि मैं इसको पहले ये हिंदी में दिया था, उसमें क्या किया पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसा करके दिया है। इसमें क्या हो गया कि इसको पार्ट वन मिला है, किसको पार्ट टू मिला है, किसको पार्ट थ्री मिला है, तो समझ में आया नहीं वो लोग को बराबर, तो इसलिए मैं ये बराबर समझने के वास्ते ये एक ही वाइंडिंग में किया है। थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो गया वाइंडिंग का, मतलब ये टाइमिंग तो वो, लेकिन आप लोग को समझने के लिए अच्छा पड़ेगा। पूरा वाइंडिंग देखेंगे आप लोग, पूरा वीडियो देखेंगे जब इसको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अभी इसमें सेवन नाइन पिच का मैं डाल रहा हूँ, तो एक सेवन पिच में 15 डन से और जो नाइन पिच का बड़ा फर्मा है उसमें 30 डन से, मतलब फुल डन से भर के है वो स्लॉट फुल है। और इसके जो नेक्स्ट कॉयल जो दिख रहा है उसमें आधा आधा अपन बैठाया, 15 डन से बैठाया, सेवन पिच में भी 15 है, नाइन पिच में भी 15 है। अभी क्या होएगा, अभी इसमें से एक नाइन पिच के सिंगल कॉयल है, मतलब आधा डन से वो 15 डन से, ये टेंस जो आगे जो सामने का कॉयल है उसमें अपने को उसको ऊपर ही बैठेगा, नाइन पिच के ऊपर ही नाइन पिच बैठेगा। वो कैसे बैठाना है वो भी मैं इसमें बताता हूँ आपको, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसका कनेक्शन भी जो मैं डायग्राम करेगा वो भी देख लीजिए। और इस हमारे वीडियो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेगा तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे के लिए अच्छा पड़ेगा कि हमारा वीडियो आपको मिल सके और आपको दोस्त लोग भी शेयर करना। हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको काम आएगा तो हमारे दोस्त लोग से भी शेयर कर। देखो
अब ये कैसा करना है, ये मेन ये कनेक्शन देखना है। जो अपन पहले जो डाला था 1-7 में सामने सामने कॉयल टॉप बॉटम आया था, ये कॉयल जो है बाजू बाजू में ये टॉप से टॉप जंपर है इसका, वो ध्यान देना है, इसका कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी ये देखिए ये लेफ्ट साइड से, अब लेफ्ट साइड में जंपर इसका आया है, जो इसका राइट साइड का जो है वो एंड हो गया, वो जो कनेक्शन है ना वो स्टार में जाएगा। तो वो स्टार कैसा करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें 3 स्टार होती है एक कनेक्शन में, जो कंप्रेसर के काम के लिए ये यूज़ होता है। तो ये 3 स्टार कनेक्शन खास करके अपन एक बोक और एक कोपलेंट, ऐसा दो कंप्रेसर आता है, वो दोनों कंप्रेसर में ज़्यादा बोलोगे यूज़ होता है, तो वो समझ के लेगा आप लोगों को, वो काम आएगा अच्छे से यूज़ होएगा। देख लीजिए मैं कैसा बैठ रहा हूँ, इसके ऊपर बैठाना है, देखो ये बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर तो नेक्स्ट कॉइल भी कैसा करना है बैठाना है वो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा, देखिएगा। तो इसी तरह है अपने को तीनों फेस कॉइल भरना है। और जब कॉइल अपन भरने की शुरुआत करेगा, पहले कॉइल जिधर से भरा था अपन उसके ऊपर ही उसका जो एंड होता है एंड के तरफ, और वो कॉइल के ऊपर ही से दूसरा कॉइल दूसरा फेस का पहले कॉइल शुरुआत करना है, तभी अपने को कनेक्शन में वो बराबर आएगा। नहीं तो आप दूसरा किधर से भी शुरुआत करेंगे तो वो कनेक्शन में मैच करेगा नहीं। तो वो कैसा मैच करना है वो भी, वो जो मैं पेपर में डायग्राम इसमें लिख के रखा है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये दो कॉइल मिला के एक है, और जो पहले सामने सामने दो था वो अलग है, ये देखो ये दूसरा कॉइल है। एक ही फेस के अंदर देखो 3 टाइप का कॉइल भरना पड़ता है अपने को, तभी जाके वो तीनों फेस में वो 3 स्टार बनता है। देखिए अभी हो गया ये कनेक्शन, देखिए इसका टॉप बॉटम किधर का है, सामने सामने कॉइल का, और जो वो उसका जो जंपर है वो देखो कैसा का है। अभी देखो इसी तरह अब दूसरा भी कॉइल डाल दिया है, देखो इसमें एक एक फेस के अंदर एक सेट, मतलब वो डबल 4 फर्मा रखे अपन कॉइल लपेटा था तो वो एक है, और वो 3 फर्मा का कॉइल लपेटा था वो 2 कॉइल है, मतलब 3 कॉइल हो गया, मतलब तीनों कॉइल 3 पार्ट है। इसका मतलब ये 3 पार्ट कनेक्शन में एक फेस के अंदर 3 कॉइल है, तीनों 3 पार्ट हो जाता है। और इसके बाद में दूसरा कॉइल अपन शुरुआत करते हैं, देखो पहले कॉइल कहाँ से शुरुआत किया था उसका सेम ऊपर से, तो उसका जो कॉइल एंड होता है उधर से पहले कॉइल जिधर शुरुआत हुआ उसके ऊपर ही शुरुआत करना है, और उसका जो कॉइल एंड होता है उधर ही से शुरुआत करना है, तभी अपने को बराबर आएगा। देखो वो कैसे शुरुआत कर रहा है वो भी देख लीजिए। इसमें क्या है अपन को आजकल बहुत तरीके का एक कनेक्शन आता है, 2 स्टार 3 स्टार और स्टार डेल्टा, इसी तरह बहुत सारा आता है, इसमें ये 3 स्टार कनेक्शन है। अभी देखो दूसरा फेस अपन कैसा भर रहा है, अभी इसका ये 3 वाला कॉइल सेट है, वो मतलब 2 का कॉइल सेट ऐसे ही सेम सामने सामने भर दिया है, जैसा 1-7 टॉप बॉटम कनेक्शन आने जैसा है। इसका पहले शुरुआत किधर से किया था उसके ऊपर ही शुरुआत किया था, अभी देखो ये देखो अभी भर रहा हूँ, ये 1-7 पीस है, अरे 9 वाला पीस कॉइल पड़ रहा है अपन इसके ऊपर का,
अभी इसका कनेक्शन कैसा आएगा देखो, 1 to 7 सीधा सामने सामने आएगा टॉप बॉटम। अभी देखो सीधा सामने आएगा, ये देखो इसका सामने, यहाँ से शुरुआत करना है अपने को। तो सेम मीटर से कॉइल भरना है, तो अपने को कनेक्शन भी वैसा आएगा। इसके बाद में अपन वो 3 वाला कॉइल सेट भरने गए, जैसा अपन पहले पढ़ा था वैसे ही सेम मीटर में इसको भी भरना है। अभी ये अपन एक काम जो है इसमें क्या देख के अपन समझ सकते हैं ज़्यादा बोल के, अगर नहीं भी समझ में आता होगा कभी कोई ये काम करते हुए एक बार ध्यान देगा एकदम सिंपल समझ जाएगा, एकदम इजी। ये कनेक्शन में कुछ भी तकलीफ नहीं है। कोई सोचता होगा 3 स्टार कनेक्शन बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम है ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं है, देखेंगे एकदम सिंपल है। और मेन अपन जो इसका कनेक्शन जो सीखना है, जब इसको जो वाइंडिंग करने टाइम एक कनेक्शन अपन खोलने के टाइम ही इसको ध्यान से देखना है कैसा कैसे इसको कॉइल डाला हुआ है, एक बार ध्यान से देखेगा एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा अपने को। अभी देखो उसके ऊपर अपन कॉइल पड़ा है, ये 3 कॉइल्स का सेट है। सेम अपन पहले भरा था उसी तरह का वैसे ही भरना है इसको भी।
देखो अभी इसी तरह अभी कॉयल भर के हो गया है, तीनों तीनों फेस का भी कॉयल भर दिया है। अभी अपन इसको ये पीछे बाजू में वो कनेक्शन बांध के ले लेंगे, वो जो कनेक्शन है सारी उसका जो वाइंडिंग बांध के ले लेंगे, उसको सेपरेटर पेपर डाल के, क्योंकि तीनों फेस को अलग अलग सेपरेटर डालना ज़रूरी है। और वो डाल के बांधने के बाद में अपन इस तरफ अभी कनेक्शन कर सर में आ गया है, अभी कैसा कनेक्शन कर रहा है वो देखेंगे। देखो अभी अपन काम कनेक्शन शुरुआत जिधर से करना है, जिधर तीन कोयल सेट डाला है उसमें एक दो कोयल का जो शुरुआत है उधर से लीड पकड़ा है, उसको लीड नंबर वन है। उसके बाद में उसको जो एंड हो गया वो स्टार हो गया है। उसके बाद में एक कोयल छोड़ के दूसरा फेस, उसके बाद में एक कोयल छोड़ के तीसरा फेस, तीनों होने के बाद में तीनों कोयल जो एंड है वो तीनों स्टार हो जाता है। ये इसको स्टार नंबर एक। अभी देखो तीनों अभी अपन कंडीशन किया, उसका तीनों का जो एंड है वो स्टार हो गया है। अभी इसके बाद में सेम अभी इसको अपन 1 2 3 नंबर दिया है, जो वन किधर से अपन शुरुआत किया उसका सीधा सामने मतलब 1 2 7 में आएगा सेम कॉयल। देखो इसको लीड नंबर वन, उसके बाद एक कॉयल छोड़ गए लीड नंबर टू, उसके बाद एक कॉयल छोड़ गए लीड नंबर थ्री। इसका भी जो एंड होता है 1 2 4 में वो उधर से 1 2 3 उधर से 1 2 3 तीनों मिला के ये स्टार नंबर टू। अभी इसमें अपन L1 दो जगह पे L1 किया है और दो जगह पे L2 किया है और दो जगह पे L3 किया है। अभी ये L1 मिला के पैरेलल हो जाता है, ये L1 है। इसके बाद में L2 दोनों मिला के पैरेलल में आएगा, वो L2 है। इसके बाद में L3, इसके बाद में L3 सेम वो भी पैरेलल में आएगा, सामने सामने आएगा तो L3 रहेगा। अब इसके बाद में अपन किधर से L1 शुरुआत किया उसका 1 2 4 में शुरुआत करना है, क्योंकि वो L1 अपन शुरुआत किया बॉटम का छेड़ा से, तो उसका जो टॉप का छेड़ा दूसरा का 1 2 4 में टॉप का छेड़ा जो है वो लीड नंबर 7। और उसके बाद एक कॉइल छोड़ गए जो उसका एंड होएगा वो स्टार नंबर 3। ऐसे ही एक कॉइल छोड़ गए L2 उसके बाद L8 उसके बाद एक कॉइल छोड़ गए L7। अभी ये इसका जो एंड होएगा वो स्टार हो जाएगा। अब इसी तरह इसका अपन कनेक्शन करना है, इसको भी छिलके जो उसका जो कनेक्शन को छेड़ा साफ करके उसको अपन लीड लगा के लेना है। देख लो इसमें भी 3 स्टार है, 3 स्टार इसमें है, 1 स्टार है। ये जो है ये लीड है पैरेलल में आया है। ये देखो ये लीड नंबर 2 ये भी पैरेलल में है, ये लीड नंबर 3 वो भी पैरेलल में रहेगा। इसके बाद में इसका जो तीनों स्टार भी है इसको अपन लीड कनेक्शन लगा के लिया है 1 2 3 और 7 8 9 करके। अब इसको अपन इसी तरह कंप्लीट करना है। अभी इसको देखो अभी एक ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अब इसके बाद में मैं इसको पेपर में कैसे डायग्राम बना के रखा है वो भी दिखाता हूँ। देखो इसमें आपको समझ में आया नहीं, मैं ज़्यादा करके आपको समझ में आया रहेगा, अगर समझ में नहीं भी आया रहेगा तो इसका मैं पेपर में डायग्राम बनाया वो देखो, तो आपको एकदम 100% इसमें आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। देखिए वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। अब देखो ये जो है इसका सेंसर है, थर्मिस्टर बोलते हैं इसको, ये तीन होता है, इसको इस कनेक्शन सीरीज होता है, मतलब तीनों तीन फेस के अंदर लगाना है। और जो उसका एंड जो है उसको लीड निकालना है, दो लीड निकालना है, वो भी मैं कैसा है वो भी देखो कैसा कर रहा है वो भी देख लीजिए। क्योंकि ये जो है इसका सर्किट के थ्रू उसके पैनल में काम करता है, जो इसका टेम्परेचर मालूम पड़ता है, इसको वजह से वो जब टेम्परेचर अपन जैसा सेटिंग करके रखेगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो ट्रिप कर देगा, तो वाइंडिंग को जलने नहीं देगा। देखिए उसका अपन इंसर्ट करके इसका दो लीड निकाल दिया है और उसके अलावा 6 लीड निकाला है, अभी एक कनेक्ट हो गया अंदर लगाया है। देखिए अभी देखिए अपन पेपर में इसका डायग्राम कैसा करना है वो देखेंगे। देखिए अभी इसमें 36 स्लॉट का डायग्राम बनाया है। अभी 36 स्लॉट में अपन क्या कर रहे हैं ये देखिए, ये 1 2 7 और ये 1 2 9। देखिए इसमें दोनों में
अपन डाला है 15 15 टन्स, मतलब ये फुल टन्स नहीं है, 15 जो अपन कॉयल डालने टाइम कैसे डाला था देखिए वैसे ही है, ये देखो 15 15 टन्स है। अभी इसके बाद में सेम अपोजिट में, अपोजिट से सेम वैसे 1:7 और 1:9 बीच में कॉयल डालना है। देखिए अभी ये इसके भी सेम टॉप और बॉटम कनेक्शन निकलेगा, तो इसको जंपर अपन मारना है, इसको टॉप बॉटम जंपर मारना है। देखिए ये टॉप बॉटम जंपर हो गया है, टॉप बॉटम जंपर है, देखिए ये जंपर हो गया है। और ये पहले वाली फेस का फर्स्ट कॉयल का एक फेस हो गया है एक, और इसके जो दूसरा कॉयल इसमें कैसा बैठाना है ये देखो, ये दोनों 15 15 टन्स है, तो उसमें अपन जो 9 पिच में अभी अपनी जगह खाली रहेगा तो उसके ऊपर देखिए अभी ये दूसरा कॉयल अपन कैसे डाल रहा है। ये जो कॉयल है 30 और 15 और 30 है, मतलब इसके जो इसमें एक सिंगल में एक परमा अपन बनाया था 3 का सेट में, देखिए वो इसके ऊपर बैठेगा, जो वो 15 टन्स निकला है 9 पिच में उसके ऊपर ये बैठाना है, वो भी 15 टन्स रहेगा। अभी देखिए ये और कॉयल वो उसके साथ में कैसा कनेक्शन हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों जंपर है बाजू बाजू में, ये जंपर है, तो अभी इसका जो टॉप टॉप कनेक्शन हो जाएगा, ये इसका जो एक एंड हो जाएगा, इसी तरह दूसरा फेस भी उधर अपन करना है, मतलब दूसरा कॉयल भी डालना है। ये अभी इसमें अपन कैसा किया है, दो और दो मतलब 4 का 2 सेट एक डाला हुआ है और 3 वाला 2 कॉयल डाल रहा है, तो अभी ये एक ही फेस के अंदर 3 पार्ट हो गया है, मतलब 3 स्टार इसी में निकलता है। देखिए अभी ये भी 15 टन्स का निकलेगा, इसका भी देखो जंपर 1:4 में रहेगा टॉप टॉप, और इसका भी जो है चेड़ा एक एंड हो गया है और उधर एक स्टार्ट है। अभी इसी तरह अपने को तीनों फेस डालना है, देखो दूसरा फेस का अपन किधर से शुरुआत करना है, देखो पहले फेस अपन किधर से शुरुआत किया था उसके ऊपर से ही शुरुआत करना है, क्योंकि और किधर से अभी शुरुआत करेगा तो अभी अपने को कॉयल बैठाने में दिक्कत होगी। तो देखिए ये सब तीनों 15 15 टन्स हो गए, देखो एक एक फेस के अंदर कैसे अपने को एक सेट में 15 45 टन्स बन रहा है, तो इसी तरह वो अपन भरना है। देखो अभी दूसरा फेस कहाँ से अपन पहले फेस शुरुआत किया उसको ऊपर ही से अपने को दूसरा फेस शुरुआत करेगा, तो ये बराबर बैठते जाएगा। देखिए अभी ये दूसरा फेस का है, तो अभी ये दूसरा फेस सामने सीधा सामने सामने ये बनेगा एकदम ऑपोजिट में 1:7 और 1:9 पीस, तो 1:7 1:9 ही है, देखो उसमें 15 15 टन्स है। अभी इसका भी टॉप बॉटम कनेक्शन हो जाएगा, देखिए ये टॉप और बॉटम इसका जंपर है, और जो एक स्टार्ट और एक एंड रहेगा उसमें एक स्टार में लीड में जाएगा और एक स्टार में जाएगा, इसके ऊपर दूसरा कॉयल कैसा बैठाना है देखिए, उसके ऊपर ही बैठाना है अपने को। देखिए ये भी 35 टन्स है, 15 टन्स का कॉयल कैसा बैठाना है, 31 टन्स का कॉयल बैठाना कैसा है वो इसके ऊपर अपने को समझ में आएगा। देखिए और उसके बाद में उसमें से एक जुड़ा हुआ 9 पिच का एक कॉयल है, वो उसके बाजू के कॉयल को ऊपर ही अपन डालना है 9 पिच के ऊपर, तभी उसका सर्किट वो पूरा होएगा, जो उसका एंड होएगा वो स्टार में जाता है। इसी तरह अपने को तीनों फेस में सेम मेथड से भरना है, वे तीनों फेस में सेम मेथड में अपन भरने के बाद में इसको अपने को कनेक्शन होगा। देखिए अभी ये दो फेस का अपन भर दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पेंडिंग आपको दिया है लेकिन वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है वो कैसा है, क्योंकि वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अलग अलग मैं गया था, किसको पार्ट 1 मिला है, किसको पार्ट 2 नहीं मिला है, किसको पार्ट 3 मिला है, किसको बराबर मिला नहीं, समझ में नहीं आया, तो इसलिए ये एक ही पार्ट में मैं ये फुल वीडियो दिया हूँ तो सबको समझ में आएगा इसलिए। तो अभी अपने को इसमें देखिए अभी ये दो फेस का हो गया, अभी अपने को तीसरा फेस का भरना है। देखिए वो हर एक फेस ऐसा है, अपन जो पहले फेस भरता है उसको ऊपर दूसरा फेस है, दूसरा फेस का जो एंड होता है उधर से तीसरा फेस, यही मेथड से अपन भरना है।
तो ये भरेगा तो अपने को एकदम इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही रहता है। अभी उसका सीधा सामने सामने 127.9 में उसका सीधा सामने आएगा, उसका कनेक्शन 127.9 में कनेक्शन आना, ये आना मतलब 127 कनेक्शन टापाड़ा आना चाहिए, वही हिसाब से अपन करना है। तो अभी अपने को इसमें सीधा सामने सामने अपन भरेगा तो बराबर हो जाएगा। अभी देखिए इसका भी टॉप बॉटम कनेक्शन हो जाएगा, और ये होने के बाद में बाजू से सेम फर्स्ट और सेकंड भरा वैसे ही इसको भी भरना है, सेम उसको ऊपर ही आएगा, दो सेकंड कॉइल को ऊपर से, सेकंड वेस को फर्स्ट कॉइल को ऊपर से भरना है। ये जंपर हो गया टॉप बॉटम का। अभी इसके बाद में देखिए अभी तीसरा फेस भी भर के हो रहा है, सेम मेथड है जो फर्स्ट फेस अपन भरा है, सेम मेथड में तीनों फेस भरना है तभी अपने को बराबर आएगा वो। और 30 और देखिए इसका भी एक उसको ऊपर से एक 9 पिच का कॉयल जो है इसका बाजू वाला कॉयल में बैठेगा। अभी देखिए पूरा कॉयल अपन भर के हो गया है, अभी इसका कनेक्शन करने के लिए कैसा करना है वो देखेंगे। देखिए अभी एकदम सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर से अपन पहले कॉइल शुरुआत किया उसके बाजू में जो तीन कॉइल से डाला था अपन ने, एक 15 और 30 टेंस का एक कॉइल डाला है, उसके बाजू में एक 15 टेंस का है, वो कॉइल से अपन शुरुआत करना है। वो कैसे अपन शुरुआत करना है देखो, ये यहाँ से अपन L1 शुरुआत किया है, उसका जो एंड हो गया है मतलब उसका जो 127 और 129 कॉइल का छोड़ के उसके बाद एक 129 कॉइल के साथ में अपन जंपर मारा है, और उसका जो एंड हो गया वो स्टार नंबर 1 है, उसके बाद में एक कॉइल छोड़ के दूसरा फेस वो L2 सेम शुरुआत जहाँ से किया वैसे ही, वो देखो उसका जो एंड होता है वो स्टार 1 है, इसके बाद में उधर से एक कॉइल छोड़ के उसका जो सेम कॉइल L3 रहेगा, उधर से जो इसका एंड रहेगा वो स्टार 1 है। अभी देखिए अभी इधर से अभी 1L1 अपन कहाँ से किया है, उधर से सीधा 127 में सीधा अपोजिट कॉइल में, अपोजिट कॉइल में उधर L1 और उसका जो एंड होएगा वो स्टार ये स्टार 2 है, अभी वो पहले स्टार 1 किया था अपन ने, अभी ये स्टार 2 है। इसी तरह एक कॉइल छोड़ के फिर दूसरा फेस, उसके बाद एक कॉइल छोड़ के तीसरा फेस, वो L1 L2 L3 रहेगा, ये भी मतलब L1 के सामने L1 L2 के सामने L2 L3 के सामने L3 ये जो है, और जो इसके जो एंड होएगा वो स्टार नंबर 2 ही रहेगा। अभी L2 के बाद में एक कॉइल छोड़ के L3 होएगा, L3 के सीधा सामने L3 है, और L3 के सामने L3 मतलब 127 लीड में आएगा। L1 बॉटम से शुरुआत है तो L1 उसके जो दूसरा L1 भी बॉटम से शुरुआत होएगा, L2 बॉटम से शुरुआत है तो उसका दूसरा एंड भी L2 भी बॉटम से शुरुआत होगा, L3 जैसे शुरुआत होता है वैसे ही सेम उसके तरफ वो भी है। देखिए अभी वो
पैरेलल में हो जाता है, L1 प्लस L1, L2 प्लस L2, L3 प्लस L3 वो पैरेलल कनेक्शन में है। और इसके बाद में L7 अपन शुरुआत करना है, जो L1 की तरह से शुरुआत किया उसके बाजू का कॉइल से, अभी समझ लो ये बॉटम से निकला शुरुआत किया तो अपन उसका जो टॉप L7 में आएगा, क्योंकि L7 जो रनिंग में जो लोड पे चलने टाइम कनेक्ट होकर चलना पड़ता है, मतलब डेल्टा हो जाता है, तो इसको वजह से वो कनेक्शन बराबर आने के लिए L1 बॉटम को चेड़ा पकड़ा है तो L7 जो है टॉप को चेड़ा पकड़ेगा। उसके बाद में अपन जो उस कनेक्शन ऑलरेडी मारा हुआ है 1-7 में, मतलब सामने के कॉइल से सामने उसका जो एंड है वो स्टार नंबर 3 है। इसी तरह अभी L7 के बाद में एक कॉइल छोड़ के अपन L8 एक कॉइल छोड़ के L8 पकड़े कनेक्शन शुरुआत करना है, तो उसके भी सेम मेथड से उसका जो एंड होएगा वो स्टार नंबर 3। इसके बाद में एक कॉइल छोड़ के L9 आएगा और उसके भी सेम मेथड है, उसका जो एंड होएगा, देखिए अभी ये L3 है और L9 का भी, अभी L8 के बाद में एक कॉइल छोड़ के वो L9 आएगा, मतलब L3 का सेम फेस में रहेगा वो, और वो बॉटम है तो ये टॉप हो जाएगा। और उसका जो 1-7 जंपर मारने के बाद उसका जो कनेक्शन ख़त्म होएगा वो है स्टार नंबर 3 है। अभी देखिए दोस्तों, इसी तरह अपन कनेक्शन मारा जाता है इसको। देखिए आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आया भी रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। देखिए ये L1 L2 L3 और ये L7 L8 L9, अभी ये लोड पे चलने टाइम L1 का सामने L7 चलता बैठता है, कनेक्ट होता है डेल्टा, और L2 के सामने L8 और L3 के सामने L9, इसी तरह ये चलना है, ये ऐसे ही चलता भी है। और ये अपन इसको इधर उधर चेंज करेगा तो नहीं चलेगा, देखिए ये ऐसे ही कनेक्ट होता है। लेकिन अभी जब अपन इसको समझो अपन टेस्ट करने के वास्ते एक पार्ट में चलाना है बोले तो नहीं चलेगा, ऐसा एक पार्ट में नहीं चलता है। फिर भी अपन थोड़ा सा चलाने तो 1-2-3 में सप्लाई दे सकता है, 7-8 में नहीं दे सकता। अगर समझो अपन ज़बरदस्ती करके ऐसे सप्लाई देगा तो वो जल जाएगा, क्योंकि 7-8 में सप्लाई दे नहीं सकता है। 1-2-3 में अपन टेस्टिंग के वास्ते देख सकते हैं। देखिए इसका थर्मिस्टर के बारे और ये जो है इसका सप्लाई है। चलो दोस्तों, अपना वीडियो आपको पसंद आया आपको दोस्तों लोग से शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में जो भी है कुछ बताइए। थैंक यू।